और ये एक डाइट मिक्स प्रॉब्लम है। इसमें एक डाइटिशियन प्लान कर रहा है क्या चीज एक मील जिसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होने चाहिए और तीन डिफरेंट टाइप्स के वाइटामिन जो है उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, नीचे जो हमें टेबल गिवन है इसमें तीन डिफरेंट टाइप्स के वाइटामिन गिवन है 1, 2 और 3, उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स गिवन है। विटामिन 1 की डेली कितने कंटेंट्स होने चाहिए 29, विटामिन 2 के कितने कंटेंट्स होने चाहिए डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट 20 कंटेंट्स और 3 के 21 कंटेंट्स होने चाहिए। और ये जो टेबल गिवन है ये पर आउंस जो है वो कंटेंट्स हैं। फूड 1 के अंदर विटामिन 1 जो है वो उसके 5 कंटेंट्स हैं, फूड 2 के अंदर 3 कंटेंट्स हैं और फूड 3 के अंदर उसके 2 कंटेंट्स हैं। इसी तरह विटामिन 2 के फूड 1 के अंदर 1 औंस के अंदर 2 कंटेंट्स हैं, फूड 2 के 1 औंस के अंदर 1 कंटेंट है और इसी तरह फूड 3 के 1 औंस के अंदर 3 कंटेंट्स हैं। विटामिन 3 के फूड 1 के अंदर 1 औंस के अंदर 1 कंटेंट, फूड 2 के 1 औंस के अंदर 5 कंटेंट्स और फूड 3 के 1 औंस के अंदर 2 कंटेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और हम फाइंड करें कि फूड 1, फूड 2 और फूड 3 के कितने औंसेज हम इस मील में शामिल करें कि ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वाली ये पूरी हो। तो हमें क्या चीज चाहिए, नंबर ऑफ औंसेज ऑफ फूड 1, फूड 2 एंड फूड 3। तो इसलिए हम उसको सपोज कर देते हैं कि एक्स 1 क्या है, ये नंबर ऑफ औंसेज ऑफ फूड 1 जो हमें कितने चाहिए, फूड 2 के कितने चाहिए, फूड 3 के कितने चाहिए, उनको हमने लेट कर दिया। अब ये कितने कितने में चाहिए ताकि ये जो विटामिन 1, 2 और 3 के डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। अब विटामिन 1 जो है फूड के अंदर, फूड 1, 2 और 3 के अंदर कितना कितना है, तो 5 विटामिन इन 1, विटामिन 1 जो है 5 विटामिन है, कौन से वाले विटामिन 1, 1 औंस किस में, फूड 1 के अंदर। ठीक है, तो एक्स 1 औंसेस ऑफ फूड 1 के अंदर कितने होंगे, विटामिन 1 5 टाइम्स एक्स 1, दैट मींस के इसके 1 औंस के अंदर 5 है। तो अगर हम इसके एक्स 1 औंसेस होंगे तो क्या होगा, 5 टाइम्स एक्स 1। ठीक है, विटामिन 1, विटामिन 1 ये 3 कंटेंट्स हैं 1 औंस के अंदर, तो अगर ये एक्स 2 औंस हम बनाएं तो 3 टाइम्स एक्स 2 हो जाएगा, कितने कंटेंट्स होंगे। इसी तरह ये 2 है 1 औंस के अंदर फूड 3 के, तो एक्स 3 औंसेस अगर हम इस्तेमाल करें फूड 3 का तो कितने होंगे, हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स 3। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं भी डिस्क्रिप्शन को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप कह सकते हैं कि देखिए 3 कंटेंट्स ऑफ विटामिन 1 इन 1 औंस ऑफ फूड 2, फूड 2 के 1 औंस के अंदर कितने 3 है, तो विटामिन 1 एक्स 2 औंसेस के अंदर कितना होगा ये, और इसी तरह 2 टाइम्स एक्स 3 जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। और ये सारे मिला के कितने होने चाहिए, 29 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को इनको पूरा करना चाहिए इसको। ठीक है, इसी तरह अब विटामिन 2 के लिए वही चीज है, अगर 2 कंटेंट्स है 1 औंस के अंदर तो एक्स 1 औंसेस के अंदर कितना होगा, 2 टाइम्स एक्स 1। अगर 1 कंटेंट है 1 औंस के अंदर फूड 2 के, तो एक्स 2 के अंदर औंसेस के अंदर कितना होगा, 1 टाइम एक्स 2। अगर 3 कंटेंट्स हैं विटामिन 2 के 1 औंस में फूड 3 के, तो एक्स 3 में कितना होगा, 3 टाइम्स। और ये तीनों मिला के कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन 2 की, 20। इसी तरह विटामिन 3 की 1 कंटेंट है 1 औंस में फूड 1 के, तो एक्स 1 औंसेज अगर हम फूड 1 ले तो कितना होगा, 1 टाइम एक्स 1। 5 कंटेंट्स हैं
एक आउंस में फूड टू के अंदर, तो अगर एक्स टू आउंस का फूड टू ले तो 5x2, इसी तरह 2 तो 2 टाइम्स x3, क्योंकि 4x3 की बात हो रही है। और ये टोटल कितने होने चाहिए वाइटामिन, जो थर्ड वाइटामिन है वो 21 होने चाहिए। ये हमारे पास ये सिस्टम बन जाता है। अब इस सिस्टम में आप ऑटोमेटिकली इसको स्वैप कर सकते हैं कि इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, या आप सिस्टम में लिखने के बाद अब हम इसको इस सिस्टम में लिख देते हैं। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि इसको वन करना है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करके भी वन कर सकते हैं, या फिर R1 में से 2 टाइम्स R2, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 है 5, 3, 2, 29, इसको वन करने के लिए R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, तो -4, -2, -6 और -40, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1, 1, -4 और यहाँ से -1, 1, सो दैट विल बी -11। ठीक है, अब ये हमारा नया R1 है इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा 1, ये भी 1 और ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा -11। अब इसको हमने यूज करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं, अगर हम R1 को R2 में से माइनस करें 2 टाइम्स R1, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो R2 में लिख देता हूँ 2, 1, 3, 20 और R1 को मैं 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2, -2, ये -4 है तो +8 बन जाएगा और ये माइनस है तो +22 बन जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से -1, यहाँ से 11 और यहाँ से 42। इसको जीरो करना है तो R3 में एज इट इज लिख देता हूँ 1, 5, 2, 21 और इसमें से माइनस कर देता हूँ R1, तो -1, -1, +4, +11 ये बन जाएगा 0, ये 4, ये 6 और ये 32, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिस्टम के फॉर्म में हमने सारे लिख दिए। अब हमें इसको वन करना होता है, अगर इसको -1 से डिवाइड कर दें 0 by -1, -1 by -1, 11 by -1 and 42 by -1, सो वी गेट 0, 1, -11, -42, ये हमारा नया R2 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखें R2 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमें इसको यूज करना है और इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। हम पहले R1 इस वाले को जीरो करते हैं, हम R1 को एज इट इज लिख देते हैं 1, 1, -4, -11 और इसके साथ हम ऐड कर देते हैं इस चीज को R2 को, नया R2 हमारे पास, सॉरी ये हमारा R2 है, ये भी नहीं है, ये यहाँ पे 1 है 1, -11 तो इसमें ये आ जाएगा 0, -1, +11 इसको मैं लिखता हूँ और +42 ये 1, 0 यहाँ से 7 और यहाँ से 1, 3, 31 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब हमें इस 4 को भी जीरो करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम R3 को लिखेंगे जो कि 0, 4, 6, 32 है और 4 टाइम्स R2, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 टाइम 4 इज 0, -4 से करना है, -4 हो जाएगा ये +44 हो जाएगा और ये -, -, again +8 and 16, 0, 0, 50 और 20, 9, 0 और 200 हमारे पास हो गए।
अभी नया सिस्टम है, इसको अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 0/50, 0/50, 50/50 और 200/50, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और यहाँ से 0, 4। तो बाकी ये वाले ऑपरेशंस अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास सिस्टम आ गया 0, 1, 0, 7, 31, 0, 1, -1, -42, 0, 0, 1, 4। तो रीराइट करेंगे सिस्टम में तो ये क्या है, x3=4। इसको सिस्टम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x2, ये कोफिशियंट -11x3=-42। अब इसमें x3 पुट कर दें तो x2 आ जाएगा 4=-42, x2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x2=-44, जब उस तरफ चला जाएगा तो +44 बन जाएगा, तो x2=2। अब x3 भी है, x2 भी है, यहाँ से सिस्टम को अगर हम लिखेंगे तो ये जाएगा x1 और +7x3=31। x1 की एज हमें फाइंड करनी है, इसका हमें पता है 4, 31, x1=31, यहाँ से क्या आएगा 28, जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो -28 हो जाएगा, तो x1=3। x1 भी आ गया, x2 भी आ गया और x3 भी, एंड हियर वी हैव द सॉल्यूशन।